वहीं कोरोना संक्रमण ने त्योहारों को निगल लिया है। इस वर्ष ईद के बाद अब बकरी ईद भी चपेट में आ गई है। वहीं रक्षाबंधन का पर्व भी इसकी भेंट चढ़ चुका है। नागपंचमी के दिन डीएनएन ने सूने पड़े फिरोजाबाद के बाजारों का हाल जाना और जानी लोगों की प्रतिक्रियाएं। मजदूरों के साथ व्यापारी, महिलाएं और बुजुर्ग सभी इसके दंश से बेजार हैं। देखिए, वहीं आइए जानते हैं कि सबका क्या सजा किया है दर्द। जैसा कि सभी को मालूम है, उत्तर प्रदेश के अंदर मिनी लॉकडाउन शनिवार और इतवार का मिनी लॉकडाउन है, लेकिन सबसे गंभीर बात यह है कि इस बार त्यौहार भी पड़ रहे हैं और ईद भी है और रक्षाबंधन भी है, साथ में दोनों त्यौहार हैं और मिनी लॉकडाउन है। आप देख सकते हैं बाजार में सन्नाटा, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है और सन्नाटे के बीच में जिस तरीके से लोग, क्योंकि त्यौहार है और इस त्यौहार के मद्देनज़र लोग घर से बहार भी निकल रहे हैं, तो उनसे आज जनता से जानेंगे कि आखिरकार किस तरीके से इस त्यौहार के मद्देनज़र उनको परेशानियाँ हो रही हैं, क्योंकि लॉकडाउन, मिनी लॉकडाउन पूरे प्रदेश में लागू है। और फिरोज़ाबाद में बात करें तो फिरोज़ाबाद में अभी कोरोना का कहर है, तो यहाँ पर जनता हमारे साथ मौजूद है। हम जनता से जान लेते हैं कि किस तरीके की कठिनाई उनको ईद और रक्षाबंधन के इस त्यौहार पर देखनी पड़ रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नगीना है। क्या ईद आने वाली है तो अब लॉकडाउन लगा हुआ है, किस तरीके की समस्याएं आपको? बहुत बड़ी समस्या है, ये कोई ईद ही नहीं है, कोई सामने ही लेके आप ईद कैसे मना लेंगे? तो खरीदारी फिर कैसे चल रही है? कैसे? अभी तो कुछ नहीं, खरीदारी करी नहीं है अभी। तो क्या क्या चाहती हैं सरकार से, क्या ऐसी आप गुहार लगाना चाहती हैं कि जिससे कि त्यौहार? हाँ भैया, हमारा क्योंकि रक्षाबंधन भी है, हमारी ईद भी है, तो कुछ तो ऐसे हुए। अब जो शनिवार को रविवार को लॉकडाउन लगाया, फिर क्या करेंगे जी? हाँ, क्या काम करते हैं आप? जी बेलदारी करते हैं भैया। बेलदारी करते हैं तो काम वाम मिल रहा है? नहीं मिल रहा, आज नहीं मिल रहा काम। गैर हो गए, चार पाँच महीने हो गए, ऐसे बैठे हैं, आते हैं चले आते हैं, बाजार बंद है, त्यौहार दोनों साथ में आ रहे हैं, रक्षाबंधन ईद, पर कुछ काम धंधे है नहीं, सब बाजार बंद है। मतलब इस बार कठिनाई बहुत तो और क्या कठिनाई है, वो तो सब काम धंधे नहीं है तो कछु ना। कई घूमे भी आते रह रहे हैं, यहाँ वाले किराए पर रहने वाले, जैसे ये तमाम साथी जो सो रहे हैं, ये मजदूर तो सोते नहीं और कहाँ करें, घरे जाएंगे लाठी खाएंगे। क्यों सो रहे हैं? क्यों काम नहीं मिल रहा है? काम नहीं मिल रहा है। और क्या समस्याएं आ रही हैं? और क्या है, यही समस्या है, काम की समस्या है, काम मिलता रहे हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। अपने सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, डीएनएन न्यूज के लिए फिरोजाबाद।